नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MLBB इंडिया में। तो आज हम जानेंगे हाउ टू यूज अलुकार्ड इन रैंक मैचेस, क्योंकि अलुकार्ड एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है फाइटर एंड असैसिन का, और ज़्यादातर प्लेयर रैंक मैच में अलुकार्ड को ही सिलेक्ट करते हैं एज फाइटर एंड असैसिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अलकार्ड के बिल्ड, बैटल स्पेल, एम्बल और एबिलिटीज के बारे में। तो आइए शुरू करते। अगर आप अलकार्ड को एज अ साइड लेनर यूज करने वाले हैं तो एग्जीक्यूट स्पेल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एज अ साइड लेनर आप प्यूरीफाई भी यूज कर सकते हैं। कौन सी स्पेल यूज करनी है यह आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप जंगलिंग करने वाले हो तो रिट्रीब्यूशन स्पेल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आइए अब जानते हैं एम्बल के बारे में। अलकार्ड के लिए एसेशन एम्बल ही सबसे बेस्ट है। आप अपने एम्बल की सेटिंग इसी तरह से कर लीजिए, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। आइए अब जानते हैं अलकार्ड के बिल्ड के बारे में। स्क्रीन पर दिखाया गया बिल्ड ही आपको यूज़ करना है, और दूसरा कोई बिल्ड यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली भी यही बिल्ड यूज़ करता हूँ। इस बिल्ड के बारे में और थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये बूट्स यूज़ करने से आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ेगा और आपका फिजिकल डिफेंस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको बैटल फील्ड में फ़ायदा होगा। ये इक्विपमेंट आपकी हेल्थ और फिजिकल अटैक तो बढ़ाता ही है, लेकिन उसी के साथ अगर 5 सेकेंड के लिए आप पर किसी ने अटैक नहीं किया तो ये आपका फिजिकल डैमेज 240+60% फिजिकल अटैक से बढ़ा देता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ये इक्विपमेंट आपका फिजिकल अटैक और मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है, और जब एनिमी की हेल्थ 50% से कम हो जाती है तब आपका फिजिकल अटैक 25% से बढ़ा देता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये इक्विपमेंट बहुत यूजफुल है, लेकिन इसका मेन काम है फिजिकल लाइफस्टाइल को इंक्रीज करना। ये इक्विपमेंट आपकी फिजिकल अटैक, हेल्थ और सीडी रिडक्शन तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसका मेन यूज़ तब होता है जब आपकी हेल्थ 40% से नीचे गिर जाए, तब ये आप पे होने वाला डैमेज को 30% तक रिड्यूस करता है और फिजिकल लाइफस्टाइल को 40% से बढ़ा देता है, जिसका बैटल फील्ड में बहुत यूज होता है। वो कैसे, ये हम आगे जानेंगे। आइए अब जानते हैं अलकार्ड के एबिलिटीज़ के बारे में। कोई भी स्किल यूज करने के बाद आप एनिमी की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हो और आपका बेसिक अटैक इंक्रीज होता है। इस एबिलिटी की वजह से आप एनिमी पर डायरेक्टली जंप करके अटैक कर सकते हो। इस एबिलिटी की वजह से आप आसपास के सारे एनिमीज को एक साथ डैमेज दे सकते हो। इस एबिलिटी में अलकार्ड अपने एनिमीज पर एक मार्क लगाता है, और मार्क लगे एनिमीज को ज़्यादा डैमेज देता है, और आखिर में उन पर एक शॉक वेव छोड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज देती है। Vocabulary.